यह BSNL ऑफिस के सामने का एरिया सुल्तानिया रोड ओवरब्रिज के पास में ये पाइप फूट चुका है यहाँ पर। तो नगर पालिका के जो भी कर्मचारी हैं इस पर ध्यान दें जल्दी से जल्दी। 11:20 हो रहे हैं और ये है सुल्तानिया रोड, सामने है स्टेट वायरोलॉजी और ये देख सकते हैं बस खड़ी है 208। यहाँ से डायरेक्ट इस्तेमाल में जाते हैं। आज शाम का ब्लॉग दोस्तों इस्तेमाल से चालू कर रहे हैं, कल देखेंगे अगली वीडियो कल डलेगी सुबह 8 बजे के बाद। ये वाली बस्ती जो MP नगर की तरफ जा रही है पर मुझे जाना है स्टेशन, देखता हूँ आने वाली है कि नहीं। ये आ गई SR5, ये जाएगी रेलवे स्टेशन की तरफ, तो चलो इसमें बैठते हैं पहले फिर बात। पहले कुछ क्लिप देख लीजिए दादा, खाने पीने की चीज़ें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये देखो पूरा मार्केट है हमीदिया सुल्तानिया रोड और इसे इस्तेमा भी बोलते हैं। ये कपड़ों की दुकान है छोटे बच्चों की, ये बड़े बड़ों की जरकिन है। ये देखो खाने पीने की चीज़ें। 6:40 होने वाले हैं और अब बस में बैठेंगे डायरेक्ट। ये बस है पर बस में अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए बाद में घुसेंगे अंदर, कायदे में पहले ही घुस जाओ बस में नहीं तो बाद में हाथ पाँव टूट जाएंगे। बस में भीड़, ये हमारे कंडक्टर भैया, भीड़ बहुत ज़्यादा है आज बस में। ये आपके डंडा है पर डंडा का बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जाने जाने फाड़ सकते। यहाँ तो नहीं मिला, यहाँ तो 6:19 और 6:40 पर GT एक्सप्रेस पकड़नी है। अब देखते हैं ये बस कितनी देर में पहुँच जाती है। स्टेशन का टिकट ये हमारे कंडक्टर भैया, टिकट काट दो यार, स्टेशन 12 रुपये लगे यहाँ से सुल्तानिया मतलब हमीदिया हॉस्पिटल से रेलवे स्टेशन। ये बस के अंदर का नज़ारा, तो नादरा बस स्टैंड चौराहे पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि दिमाग को दही होगा यार। बस पास दूर खड़ी, मैं बाहर आकर रील बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। ये नादरा बस स्टैंड चौराहा, हेलो भैया जय अल्पना टारगेट लग गई है बैलेट बैरैया और जब जम फास्ट फूड। ये मार्केट है GN ब्रांडेड सस्त सुंदर मार्केट, और अब आ चुके हैं रेड सी प्लाजा के पास में, ये MAGO फर्नीचर। ये है रेलवे का स्टेशन, यहाँ से पास पड़ेगा रेड सी प्लाजा। चारों तरफ दिखा सकता हूँ, मैंने कसम खाली है कि जो दिखाएंगे रियल दिखाएंगे, ना किसी तरह की एडिटिंग। ये जा रही है शिव हरि ट्रेवल्स, ये स्टेशन जा रहे थे पैदल पैदल तो बीच में एक अंकल की दुकान है, ये वो दद्दू है, ये हमारे दद्दू हैं। दद्दू 10 रुपये की टेस्टी दे रही हो, तो मैंने दद्दू के पास शहर का भी टेस्टी खाऊंगा, आज नहीं सालों से, वो भी 10 रुपये की। जट टेस्टी है कि खावो, चालू कर रहा हूँ मैंने टेस्टी। स्टेशन के बिल्कुल गेट पर आ चुके हैं, सामने स्टेशन है, ये अंदर जाने का गेट है और ये रोड इस साइड गया है, ये नादरा बस स्टैंड और पुराने भोपाल के लिए गया है, ये रोड भी नादरा बस स्टैंड की तरफ गया है। स्टेशन में अंदर घुस चुके हैं, पीछे बोर्ड देख सकते हैं ब्लू कलर का, हाथ में टेस्टी है, टेस्टी खाते हुए। और ये एरिया है पूरा प्लेटफॉर्म नंबर 6 का, वो देख लीजिए बड़ा बोर्ड है भोपाल लिखा है बड़ा बड़ा, भोपाल रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। भोपाल रेलवे स्टेशन, ये चरखा रखा है, अंदर से हम टिकट लेंगे टिकट काउंटर। अब ये प्लेटफॉर्म पर चलेंगे, सामने खड़ी है भोपाल प्रतापगढ़।
प्लेटफॉर्म नंबर 6, प्लेटफॉर्म नंबर 6 भोपाल रेलवे स्टेशन का, ये देख सकते हैं प्रतापगढ़ खड़ी है सामने, और अभी यात्री बैठ रहे हैं क्योंकि अभी लगी है गाड़ी, है इसका नाम देख सकते हैं प्रतापगढ़ का, प्रतापगढ़ भोपाल से चलकर प्रतापगढ़ को जाने वाली 1213 स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर बैठे हैं। और ये देखो टेस्टी है, टेस्टी खा रहे हैं बाकायदा। बगल में प्रतापगढ़ खड़ी है, B1 डिब्बा है AC का। अब चलने से 10 मिनट पहले घुसेंगे अंदर, जब तक बाहर बैठ के नाश्ता कर लें। पकड़ने के लिए इतने दौड़ दौड़ के आए, पता चलो कि GT से पहले शताब्दी आ गई। 12002 रानी कमलापति से चलकर हजरत नई दिल्ली को जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस, यार इसकी वजह से GT 15-20 मिनट लेट ओवर हो गई है। समय होने वाला टाइम होने वाला है बिल्कुल 7 बजने वाले हैं। देखो 18:59 स्टेशन पर अभी बैठा हूँ मैं। GT हो गई 1 घंटा लेट पूरे, और प्रतापगढ़ तो छूटेगी टाइम से 7:15 पर, तो उससे पहले एक ट्रेन आ रही है उसके इंतज़ार में बैठा हूँ। बगल में ऐसा एक मालगाड़ी निकल रही है, करेक्ट 7 बज चुके हैं स्टेशन पर बैठे बैठे, आधे घंटा हो गया पर ट्रेन बहुत लेट हो गई है। ये देखो एक कंप्यूटर लगा है उस पर दिख रही है एक ट्रेन आ रही है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर। ये दूसरी ट्रेन आ गई, मेरी GT तो नहीं आई, ये दूसरी आ गई। इस ट्रेन का नंबर है 12975, इसे कहते हैं त्योहारों की भीड़। देखो ये देखो तुम तो, पैर रखने जगह नहीं है, चिल्ला चौंट चिल्ला चौंट चिल्ला चौंट। ट्रेन में इतनी भीड़ है कि अंदर नहीं घुस पा रहे यार, देखो। बहुत भीड़ बहुत भीड़ बहुत भीड़। अब इस यात्रा को क्या कहेंगे, डब्बे में जगह नहीं है, घुसने से बंद नहीं है, लोग देखो गेट पर ही लटक रहे हैं। ट्रेन है जयपुर मैसूर, क्या करें भाई, सफ़र तो करना पड़ता है, सीट मिले ना मिले, जगह मिले ना मिले। इतनी ज़्यादा भीड़ है जयपुर मैसूर में, हद से ज़्यादा भीड़। तो समय हो चुका है 7:41 और प्रतापगढ़ में बैठे हैं, इसमें भीड़ है, आसानी नहीं है, एक कैमरे से बताता हूँ। पहली वीडियो बना वो जितो आसान रहे ना, बस ज़्यादा एडिटिंग कर वो रही है। जब प्रतापगढ़ सुबह पहुंचेगी, सुबह ढलेगी 8 बजे में, विदिशा पे उतरेंगे, विदिशा से फिर आधे घंटा बाद घूम फिर के फिर GT एक्सप्रेस आएगी 12615, तो वो पकड़ेंगे, तो वो सुबह 8 बजे उतारेगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो अभी ये भोपाल प्रतापगढ़ 12183 विदिशा स्टेशन पर रुक रही है, तो अभी स्टेशन से बाहर उतरते हैं। ये थी भोपाल से चलकर प्रतापगढ़, भीड़ बहुत कम है कि ज़्यादा भीड़ नहीं है। हाँ बगल वाली तो जी हम उतर चुके भोपाल प्रतापगढ़ से, तो ये हम उतर चुके हैं सुपर फास्ट एक्सप्रेस 12183 भोपाल से चलकर प्रतापगढ़ को जाने वाली, ये खड़ी है। अभी रेड सिग्नल है इसके सामने, रेड सिग्नल है, और 7:50 हो रहे हैं। ये है भोपाल से चलकर प्रतापगढ़ को जाने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस। अभी इसमें लाइट मेरे में है नहीं है यार, रात की क्वालिटी गड़बड़ है, सब क्या करें। प्रतापगढ़ खड़ी है 1 नंबर पर, एक ट्रेन वहां से आ रही है
देख ये आ गई। भी कुछ खा रहा था नायली में। जय श्री हनुमान जी। हनुमान मंदिर आठ बजने वाले हैं, अब पहुंचने ही वाले हैं 10 मिनट बाद।